नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आदिशक्ति मां जगदम्बा के 9 स्वरूपों की आराधना बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू हो गई है। देवी का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जलार्पण और पूजा अर्चना करने देवी धाम पहुंचने लगे थे। देवी आराधना का यह सिलसिला अगले 9 दिनों तक जारी रहेगा। शहर सहित पूरे जिले में दुर्गा मंदिर और शक्ति से सिद्ध पीठों में नवरात्र पर्व की तैयारियां की गई हैं। वहीं आज शक्ति माता मंदिर में 701 घट की पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। अपनी भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध गरीबदास महाराज ने आज पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की राजनीति और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि कमलनाथ आगामी विधानसभा में चुनाव जीत कर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हर 5 साल में राजनीति में फेरबदल जरूर होना चाहिए। हम देश की जनता से, देश और प्रदेश की जनता से ये निवेदन करेंगे कि अगर देश की उन्नति चाहते, देश के लिए अच्छा चाहते तो हर 5 साल में जो शासन चेंज कर लेना चाहिए। कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो जो बहुत नेक आदमी है। कमलनाथ के पास में एक बात है, पार्टी के समय वो पार्टी का, जब चुनाव में खड़ा होता है तब वो पार्टी का है। जिला अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं। निगम आयुक्त और कलेक्टर के लगातार निरीक्षण करने और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई करने के बाद भी डॉक्टर्स की अनियमितताएं नहीं रुक रही है। आज भी शाम 5:30 बजे तक डॉक्टर्स अस्पताल नहीं पहुंचे, जिसके कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अग्रवाल सेवा समिति की ओर से अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आज समापन हुआ। कार्यक्रम के दौरान एकल नृत्य, एकल गायन, विचित्र वेशभूषा और डांडिया नृत्य जैसे आयोजन हुए, जिसमें समाज के महिला और युवतियों ने भाग लिया। श्री गुजराती समाज ने बुधवार को समाज के भवन में गरबा की स्थापना की। निगम और यातायात विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अतिक्रमण रोधी कार्रवाई की गई। इस दौरान शहर की सड़कों के किनारे लगे अतिक्रमण को निगम अमले ने हटाया। इस दौरान 1.5 दर्जन से अधिक दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई भी हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों की आप देखते रहिए।